बिहार में हो रहे चुनाव पर बात कर लेते हैं। बिहार में इस बार बीजेपी और जेडीयू साथ साथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एलजेपी साथ नहीं है। वहीं इन्हें टक्कर देने के लिए आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं। सबकी कोशिश है कि सत्ता के सिंहासन पर वही काबिज हों। इसी महासंग्राम के लिए बिहार बीजेपी और जेडीयू ने यूपी से मांग की है। ये मांग स्टार प्रचारक की है, तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये स्टार प्रचारक हो सकता है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद कौन है वो आपको पता चल जाएगा। रन में रन चुका बिहार विधानसभा चुनाव, स्टार प्रचारकों के लिए बीजेपी और जेडीयू की जोर आजमाइश, उम्मीदवारों में सीएम योगी की बढ़ी मांग, बिहार में चलेगा सीएम योगी का जादू। बिहार में चुनावी बयार किस ओर रुख करेगी, किसकी सरकार बनेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पाटलिपुत्र की गद्दी पर जीत हासिल करने की लड़ाई जारी है। पार्टियों की ओर से जोर आजमाइश चरम पर है। राजनीति की रणनीति उन रास्तों की तलाश में है जिससे जनता के दिलों में उनका कब्जा हो। यकीनन कह सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अपने पूरे रंग में रंग चुका है। उम्मीदवार घोषित होने के साथ ही अब नामांकन और रैलियों का सिलसिला शुरू हो गया है। उम्मीदवार इस कोशिश में जुटे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टार प्रचारक उनके इलाके में जाएं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार से प्रभावी कार्रवाई की, संगठित अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई कर उनकी सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां जब्त की गईं, गिराई गईं, साथ ही साथ कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से वापिस आए लगभग 40 लाख अप्रवासी मजदूर भाइयों बहनों के लिए जिस प्रकार से रोजगार की व्यवस्था की, इन सब के साथ साथ उत्तर प्रदेश में समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बेहतरीन काम किया है, उसको देखते हुए बिहार के विधानसभा चुनाव में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अपने क्षेत्र में स्टार प्रचारक के रूप में बुलाए जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और NDA के प्रत्याशियों में होड़ लगी हुई है। निश्चित रूप से यह योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार की कार्यकुशलता पर मुहर है। स्टार प्रचारकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में सबसे ज्यादा जोर आजमाइश हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद यूपी के सीएम का दौरा अपने विधानसभा क्षेत्र में कराने के लिए संपर्क किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उम्मीदवारों की दूसरी पसंद बने हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बनी लिस्ट में यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है। हैरत की बात यह है कि बिहार में प्रचार के लिए कई जेडीयू उम्मीदवार भी सीएम योगी की सभा करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब रहे कि गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी योगी की रैलियों में भीड़ उमड़ी थी और जीत भी मिली थी। देश में कहीं भी चुनाव हो, भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की मांग जरूर करते हैं। इसके पीछे उत्तर प्रदेश के विकास कार्य और उनकी हिंदूवादी छवि एक प्रमुख पहलू है। यही कारण है बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के बाद में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग है। भाजपा प्रत्याशी ये सोचते हैं कि अगर मुख्यमंत्री की रैली वहां पर होगी तो उनकी जीत सुनिश्चित होगी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां कितना कारगर होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बात तो जरूर है बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका बड़ी रहने वाली है। लखनऊ से मोहम्मद के साथ चंदमणि शुक्ला, NITV।